खुद को चैंप समझते हो तो चैंप बन के दिखाओ। माई इलेवन इज रेडी और आपकी MyElevenCircle.com पर ऐप डाउनलोड करो, अपनी टीम बनाओ और दादा के साथ खेलो। प्ले विद चैंपियंस। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी की कप्तानी संभालते हैं, लेकिन आरसीबी आईपीएल की फिसड्डी टीमों में से एक है। इस वजह से कोहली की कप्तानी की भी खूब आलोचना होती है। पूर्व क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बार आईपीएल जिताने वाले गौतम गंभीर ने भी कोहली की कप्तानी की खामियां गिनाई हैं, साथ ही गलतियों को ठीक करने के बारे में सलाह भी दी है। उनका कहना है कि आरसीबी के कप्तान को एमएस धोनी से सीखना चाहिए, उन्हें जल्दी जल्दी टीम को बदलना नहीं चाहिए, कुछ समय के लिए एक ही टीम को खिलाना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम क्रिकेट कनेक्टेड में कहा कि धोनी और कोहली की कप्तानी में बड़ा अंतर खिलाड़ियों में भरोसा दिखाने को लेकर है, उन्हें ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है। आरसीबी अपनी प्लेइंग 11 में काफ़ी बदलाव करती है, इस वजह से टीम का प्रदर्शन काफ़ी हिला हुआ सा रहता है। ऐसे में आरसीबी को आईपीएल 2020 में खिलाड़ियों में भरोसा दिखाना होगा, उन्हें खिलाड़ियों के साथ टिके रहना होगा। गंभीर ने कहा, जैसा कि विराट कोहली ने कहा कि जब आप कप्तान के रूप में अपनी टीम से खुश होते हैं तो आप अपनी प्लेइंग 11 पहले से ही सोच लेते हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तब मन को शांति भी मिलती है, क्योंकि ऐसा भी समय रहा है जब आपको पूरे टूर्नामेंट में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं मिलती है, इसलिए आप काफ़ी बदलाव करते हैं। विराट कोहली और एमएस धोनी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि धोनी अपने खिलाड़ियों के साथ 6-7 मैचों तक टिके रहते हैं। यदि आप आरसीबी का ट्रेंड देखते हैं तो पता चलता है कि वे काफ़ी जल्दी जल्दी बदलाव करते हैं, क्योंकि वे अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर संदेह में रहते हैं। इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि सही शुरुआत न रहने पर भी आरसीबी 6-7 मैचों तक एक ही टीम के साथ डटी रहे, क्योंकि तभी खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं। गंभीर का मानना है कि आरसीबी की टीम में अभी भी बल्लेबाजों की भरमार है, लेकिन उनके गेंदबाज यूएई में वहाँ के बड़े मैदानों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बार उनके पास जो मैदान होंगे ये बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरह छोटे और फ्लैट नहीं होंगे। ऐसे में उमेश यादव और रणदीप सैनी की ओर से इस बार बेहतर गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। बता दें कि आईपीएल के 11 सीजन में आरसीबी की टीम कभी खिताब नहीं जीत पाई। 11 में से केवल 5 बार लीग दौड़ से आगे गई है, इनमें से 3 बार फाइनल में गई है, लेकिन हर बार हार गई। पिछले 3 सीजन में से 2 बार तो टीम 8 टीमों के सबसे नीचे भी रही है। हालांकि कप्तान विराट कोहली का कहना है कि वो इस बार टीम से काफ़ी खुश हैं, उन्हें खिलाड़ियों को लेकर काफ़ी निश्चिंता रही है। ऐसे में देखना होगा कि आरसीबी क्या इस बार आईपीएल चैंपियन बन पाएगी या फिर पिछले सीजन की तरह पेंदी में ही रह जाएगी।